नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में अनलॉक से जुड़ी हुई आ रही है। आपको पता होगा कि बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग चरणों में रियायतें दी जा रही है, लेकिन आज फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की और हालातों को देखते हुए कुछ फैसले लिए हैं। अनलॉक में और ज़्यादा रियायतें दी गई है। आपको विस्तार से बताते हैं कि किन किन चीज़ों में छूट दी गई है, क्या नई घोषणाएँ की गई है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि आखिरकार बिहार के लोगों को कब से और क्या क्या राहतें अब दी जाएंगी अनलॉक में और कितनी छूट मिलने जा रही है। पहले ट्वीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे। दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेंगी। रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू रहेगा। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पार्क एवं उद्यान 6 बजे से 12 बजे दिन तक खुलेंगे, यानी कि सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक पार्क और उद्यान खुले रहेंगे। और अंत में उन्होंने लिखा है कि अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्तर पर समय समय पर जायजा लेते हैं अलग अलग हिस्सों का, और जैसा उन्हें प्रतीत होता है, जिस तरह की आवश्यकता महसूस होती है, उसी हिसाब से वो फैसले लेते हैं। बीते दिनों भी वो खुद निकले थे निरीक्षण करने के लिए, जहां पर उन्होंने कहा था कि लोग मास्क पहनना धीरे धीरे भूल रहे हैं। हालांकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कि मास्क वगैरह पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। तो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि अनलॉक के नियमों में और ज़्यादा रियायतें दी जाएगी। रात्रि कर्फ्यू के समय को और ज़्यादा घटा दिया गया है। पहले 8 से सुबह के 5 बजे तक ये हुआ करता था, लेकिन 1 घंटे की कमी इसमें ला दी। रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और दुकानों के खुलने की बात पहले शाम के 6 बजे तक थी, लेकिन उसमें 1 घंटे की वृद्धि की गई है। शाम के 7 बजे तक सभी दुकानें खुली रहने वाली है। वहीं इन सभी नियमों को 23 से 6 जुलाई तक के लिए लागू किया गया है। आगे की स्थिति को देखते हुए और फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि मॉल सिनेमाघर और कई सारी चीज़ें हैं जो फिलहाल भी बंद चल रही है, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भंग हो सकता है, उन चीज़ों को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। पार्क और उद्यान खोले गए हैं, इस नई चीज को यहां पर जोड़ा गया है, लेकिन उसका समय सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक दिया गया है। यानी कि यहां पर भी गतिविधियां केवल मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइजेस और इस तरह की हो सकती है, क्योंकि यहां पर शाम के समय में खोलने की रियायत नहीं दी गई है। लेकिन ये कहा गया है कि ये सभी नियम जो हैं 23 जून से 6 जुलाई तक लागू रहने वाले हैं। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय अब 100% खुल सकते हैं, 100% लोगों की उपस्थिति के साथ। कहा गया है कि शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ, पहले इसे अलग अलग चरणों में खोला जा रहा था और परसेंटेज को बढ़ाते बढ़ाते अब 100% कर दिया गया है। और नाइट कर्फ्यू के साथ साथ दुकानों के खोलने के समय में भी रियायत दी गई है। और साथ ही साथ इस बार एक नई चीज़ जुड़ी है, पार्क और उद्यानों को सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक के लिए खोल दिया गया है, ताकि जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। लंबे समय से पार्क और गार्डन्स बंद चल रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें भी हो रही थी, जिन्हें एक्सरसाइज करने की आदत है। लेकिन अब सरकार के द्वारा रियायतें तो दे दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि अब सतर्कता बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं और कोरोना का प्रकोप भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में हमें सेल्फ प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है और अपने आप की सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर हम कोरोना के प्रकोप से बच पाएंगे और इस अनलॉक की जो पूरी प्रक्रिया है, अनलॉक में जो सुविधाएँ दी जा रही है, उसका भी लाभ उठा पाएंगे। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।